ये अकाउंटिंग की सीरीज की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर बताया जा रहा है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो भी एग्जांपल के साथ। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बट विच कैन नॉट बी ट्रेस इन फुल। सो ऐसी कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है जब कोई प्रोडक्ट बनाई जा रही है या फिर सर्विस जो है वो दी जा रही है, लेकिन इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता इन फुल। यानी कि जब भी कोई सर्विस दी गई या प्रोडक्ट बनाई जाए तो उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से ट्रेस नहीं कर सकते कि कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है इस प्रोडक्ट को बनने के अंदर। और इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है कि तमाम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और दूसरे जितने भी डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं उनके अलावा जितने भी होते हैं वो तमाम फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल होता है, डेप्रिसिएशन होती है मशीनरी की जो मशीनों के ऊपर चार्ज की जाती है, और इसके अलावा फैक्ट्री यूटिलिटी बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है या टेलीफोन वगैरह का, ये तमाम जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो है तो हम इस तरह जो है, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम एग्जांपल लें हम नहीं चार्ज कर सकते इलेक्ट्रिसिटी का एग्जैक्ट अमाउंट हर प्रोडक्ट के हिसाब से कि इसके ऊपर कितनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आई है। हम ओवरऑल ही बिल को जो है वो देखेंगे, लेकिन हम एक यूनिट के हिसाब से या एक प्रोडक्ट के हिसाब से हम चार्ज नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ की गई है। ये तमाम जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।